लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। गर्मियों में पानी की किल्लत काफी बढ़ जाती है। जैसे जैसे पारा ऊपर चढ़ता जाता है, वैसे वैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। यह बूढ़ा व्यक्ति बीते 3 साल से पानी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुआं खोदने में लगा है। यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के हदवा गांव के छत्तरपुर का है। इस आदमी का नाम सीताराम राजपूत है, जिसकी उम्र 70 साल है। इस गांव की आबादी 300 है, जहां पर दिन पर दिन पानी की समस्या बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से इस शख्स ने खुद कुआं खोदने का फैसला लिया। अकेले कुआं खोदना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे में सीताराम राजपूत से जब इस कदम के उठाने के पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने सभी को चौंका दिया। सीताराम ने कहा, हैंडपंप के अलावा गांव में पानी का कोई और जरिया नहीं था। मैंने 3 साल पहले कुएं को खोदने का फैसला लिया। इसके साथ ही सीताराम ने बताया, इस काम में मदद करने के लिए न तो सरकार और न ही गांव के लोग राजी थे, जिस वजह से मैंने खुद यह कदम उठाया। मैंने खुद का पैसा भी लगाया है। इंसान तो इंसान, पानी की कमी से जानवरों को भी दिक्कत हो रही है। वहीं अब सरकार ने सीताराम राजपूत को मदद का भरोसा दिलाया है। यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र खट्टिक ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, सीताराम राजपूत की हिम्मत का सम्मान करते हैं। 20 साल के युवक में भी ऐसी इच्छा शक्ति नहीं होगी। 2 दिन के अंदर ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा।